नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। देश भर में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है, सरकारें स्कूल और कॉलेज बंद करने पर मजबूर हो गई है। जी हां, स्कूल और कॉलेज, कोई भी प्राइवेट संस्थान से लेकर के सिनेमा घर तक 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी विद्यार्थी हैं, वो अपनी पढ़ाई किस तरह करेंगे, किस तरह बिना स्कूल जाए अपनी पढ़ाई वो पूरा करेंगे। तो मैं एक ऐसे कोचिंग संस्थान पे आई हूँ जहाँ पे स्टडी एट होम रिलीज़ किया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए स्टडी एट होम स्टार्टअप किया गया है, खास करके 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो आइए मैं जानती हूँ ये स्टडी एट होम आखिर है क्या, किन बच्चों के लिए है और क्यों है, क्या स्टडी एट होम से बच्चे कोरोना वायरस से बच सकते हैं, क्या कोरोना वायरस के फैलते आक्रमण में भी 10th और 12th यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, आइए मैं जानती हूँ। तो आइए मैं जानती हूँ इस EM विद्या कोचिंग संस्थान से कि वो अब स्टूडेंटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए पढ़ाई करने के लिए सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई स्थगित ना हो इस कोरोना वायरस में क्या तैयारियां लेकर के आए हैं। कहा जा रहा है कि स्टडी एट होम लेकर के आए हैं। स्टडी एट होम बेगूसराय में पहली बार स्टार्टअप हो रही है। तो आइए मैं जानती हूँ और अधिक जानकारी देती हूँ आप लोगों को भी। सबसे पहले तो मैं इस संस्थान के जो मेडिकल के टीचर हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंटों को प्रिपेयर करते हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सर, हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। एक्चुअली अगर हम देखें कोरोना वायरस को, इट इज़ नाउ पेंडेमिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चीन, हम जानते हैं चाइना से स्टार्ट हुआ, वुहान से। तो अब जैसे जैसे ये पेंडेमिक होता जा रहा है, तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हमको अपनाने पड़ेंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ की भी बात करें, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टोटल लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि जितने भी वहाँ के नागरिक हैं उनको जो है टोटल आप लॉक कर दें, ताकि ये जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ है ये ज़्यादा ना फैले। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डिज़ीज़ है, ये जो है स्प्रेड हो रही है बहुत तेज़ी से। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में हम ये देख सकते हैं कि हम लोग जो हैं बच्चे हैं सोशल प्लेसेस में जाने से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स ने क्या किया है कि जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है बंद कर दिया है 31st of March से। उसी में से हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी बंद है। तो ऐसे में क्या है, जो बच्चे हैं उनको जो है कोचिंग में आने से रोका जा रहा है, ताकि हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकें। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन, ये ऐसे समय में आई है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जो है हिंडर ना हो, इस वजह से हमने EM विद्या ने जो है इस ये जो है प्रोग्राम शुरू किया, जिसे हम बोल रहे हैं स्टडी एट होम, ठीक है। तो उसके बारे में सर आपको बताएंगे कि जो है आगे हम किसको इस जो है स्टडी एट होम वाली जो जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे हम इनिशिएट करेंगे। चलिए सर, आगे मैं इन सर से पूछती हूँ कि सर, ये स्टडी एट होम जो कहा जा रहा है कि EM विद्या में बेगूसराय में पहली बार आ रहा है, क्या प्रोसेस है सर, और किस तरह से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं स्टडी एट होम से। बिल्कुल, देखिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में JEE एडवांस का एग्ज़ाम है, ठीक है, और जिस समय में ये लॉकडाउन का सिचुएशन बन रहा है जी, उस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हम लोग साल भर मेहनत करते हैं और पता लगा कि अभी हम एडवांस का रिजल्ट मेरा खराब हो जाएगा इसके कारण जी। और इसके साथ साथ हम देखते हैं तो मेडिकल का एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में है, ठीक है। तो उन अभी ऐसा सिचुएशन है कि हम टेस्ट एंड डिस्कशन का प्रोग्राम रखते हैं, बच्चे आएंगे, टेस्ट देंगे और अपना डिस्कशन करेंगे उसका। तो टेस्ट तो हो पा रहा है, हम लोग ऑनलाइन भेज देते हैं, टेस्ट तो देते हैं बच्चे, लेकिन उनका डिस्कशन नहीं हो पा रहा। तो एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर डेवलप किए हैं जिस तरीके से हम लोग घर बैठे डिस्कशन करेंगे उनका। देखिए हम एक डेमो करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये मेरा एक इसको बोलते हैं डिजिटल राइटिंग पैड, इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे, हम जैसे ये दिखाता हूँ मैं कि ये क्रिएट न्यू व्हाइट बोर्ड यहाँ पे मैंने कर दिया। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे IIT JEE मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिखा रहा है मेरे प्रोजेक्टर पे, और ये प्रोजेक्टर
जो भी एक कैमरा मेरा लगा हुआ है वहाँ 11th के बच्चों को भी इनवाइट करूँगा कि आप घर बैठे ही स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो भी इनरोल होना चाहते हैं हम लोगों से वो बिना समय गवाए हुए इनरोल कर दें और अपना समय बचाएं, ठीक है। और क्या ये जो आप स्टडी एट होम जो लाए हैं ये सिर्फ EM विद्या संस्थान के बच्चों के लिए है या फिर अदर कोई बच्चा इसमें जुड़ना चाहता है तो क्या है इसका? नहीं नहीं देखिए सभी बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं एक्चुअली। इसमें मेरा एक ऐप है, वो ऐप पहले डाउनलोड करना पड़ता है, एक पासवर्ड जनरेट होता है उसमें, एक आईडी जनरेट होता है उसमें। यदि आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे तभी ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। ये सभी बच्चे नहीं कर सकते हैं, इनको उनको पहले सेंटर पे आके विजिट करना होगा और एक आईडी जनरेट करना होगा। जो बच्चे स्टडी एट होम करना चाहते हैं तो उनको EM विद्या से लिंक करना, हाँ लिंक करना होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी जो मेडिकल की तैयारियां कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, उनकी सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है इस कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण, तो अब समय आ गया है कि स्टडी एट होम से जुड़ें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अपनी नई ऊंचाइयों को छुएं और अपने नए मुकाम तक जाएं। देखते रहिए बेगूसराय टुडे।